रहमानुर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब और कैसी जा रही हैं आप लोगों की छुट्टियां और तैयारी कैसे कर रहे हैं आप लोग एग्ज़ाम्स की। जनाब मैंने इधर उधर से और काफ़ी जो है वो डाटा यहां से देखा तो चैनल से या यूट्यूब से या फिर गूगल वगैरह से तो काफ़ी फेक न्यूज़ जो है वो जस्ट अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए या वायरल करने के लिए जो है वो लोग यूज़ कर रहे हैं। तो जनाब आपको मैं डायरेक्ट बात बताती हूँ इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स के हवाले से। तो इसमें इंटरमीडिएट में 22 और F22 दोनों की बात कर लेते हैं। जनाब आप लोगों को पता है कि जनाब 29 मार्च से ऑनवर्ड आप लोगों के पेपर्स जो है वो स्टार्ट हो रहे थे, ठीक है। और जो है आप लोगों के इंटरमीडिएट पार्ट 1 पार्ट 2 के एग्ज़ाम्स जो है उनका स्केड्यूल जो है बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया है इन छुट्टियों की वजह से। 20 डेज का जो गैप है काफ़ी बहुत बड़ा गैप है, ठीक है। तो एक रूटीन सेट थी तो एकदम ही डिस्टर्बेंस आ गई है। तो काफ़ी जो है वो फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है कि जो इंटर पार्ट 1 के जो पेपर्स हैं वो कैंसिल हो गए हैं। अब वो पार्ट 1 से डायरेक्ट जो है वो पार्ट 2 में जो है प्रमोट कर दिए जाएंगे, उन्हें पार्ट 2 में अपग्रेड कर दिया जाएगा प्री बोर्ड्स के रिजल्ट के हवाले से, ठीक है। प्री बोर्ड्स में जो आपकी परफॉर्मेंस थी उसके हवाले से उसको कंसर्न करते हुए आप लोगों को पार्ट 1 से पार्ट 2 में अपग्रेड कर दिया जाएगा। जबकि जनाब ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जनाब आपके बोर्ड एग्जाम्स होने हैं, ये डिले ज़रूर हो गए हैं लेकिन डिस्टर्ब जो स्केड्यूल है वो ज़रूर डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन एग्जाम जो है वो पोस्टपोन हुए हैं लेकिन पेपर ज़रूर होंगे। कोई कैंसिलेशन नहीं हुई, कोई अपग्रेडेशन नहीं होगी, ठीक है। आप लोगों की F22 या F22 दोनों जो है वो आप लोगों के पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों के एग्जाम्स होंगे। हाँ डेट शीट ज़रूर चेंज हो जाएगी आपकी, ठीक है। छुट्टियां भी है, हो सकता है कम हो जाएं क्योंकि काफ़ी बड़ा गैप है तो उसको कवर करने के लिए छुट्टियां जो हैं एग्ज़ाम्स में कम होंगी। तो आपको पहले से ही काफ़ी छुट्टियां मिल गई हैं तो आप उसी में अपनी तैयारी कर लें। और जो है वो 6 अप्रैल से ऑनवर्ड जो है वो आप लोगों के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। और जो है वो न्यू स्केड्यूल जो है जो आप लोगों की डेट शीट है वो 6 अप्रैल से पहले जो है वो अनाउंस होगी और उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों के पेपर्स जो है वो कैसे सेट हुए होंगे। और जो है बोर्ड्स ने जो है वो मीटिंग्स बिठाई हुई हैं, जनाब डेट शीट सेट हो रही हैं तो आप लोग जो है बिल्कुल ये माइंड मत बना के बैठें कि पेपर्स कैंसिल हो गए, पार्ट 1 से हम पार्ट 2 में चले जाएंगे, या पार्ट 2 वाले जो है वो कुछ और समझ के बैठे हैं कि हमारे भी पेपर कैंसिल हो गया, हमें प्री बोर्ड्स की जो है वो उसके हवाले से हमें 3rd ईयर में भेजा जाएगा। जनाब ऐसा बिल्कुल नहीं है, गलत है। आपके पेपर्स होने हैं, डिले ज़रूर हुए हैं लेकिन होने हैं। 6 अप्रैल से ऑनवर्ड आप लोगों की डेट शीट जो है वो डिसाइड हो जाएगी और आपके एग्जाम जो है वो सेट होंगे। तो आप अपनी तैयारी फुल रखिए, चैनल से कनेक्टेड रहिए, आप लोगों को बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहेंगी यहाँ से। आप लोगों के प्रैक्टिकल्स की प्रेजेंटेशन के हवाले से या बाकी फुली सॉल्व पेपर्स जो है आप लोगों को हर सब्जेक्ट के हवाले से यहाँ पे मिलेंगे। प्लस जो है वो आप लोगों को जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर पैटर्न पेयरिंग स्कीम्स टाइम मैनेजमेंट तो जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती है लर्निंग इजी लर्निंग में इजी वे में लर्निंग करने के लिए जो है आप लोगों को गाइडलाइन दी जाती है, ठीक है। तो आप लोग चैनल से कनेक्टेड रहिए, बहुत फ़ायदा उठाएंगे इंशाल्लाह ताला। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, उन्हें भी अपडेट कर दीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए, ठीक है। वो भी इधर उधर की फेक न्यूज़ से बच जाएँ। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।